हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल फ्रेंड्स मैंने लंग का एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया था, एक्यूप्रेशर पॉइंट नंबर 9, ठीक है, जो कि वॉइस को तेज़ करने के लिए था, वॉइस की टोन बढ़ाने के लिए था, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए था। आज मैं डिस्कस करूंगी लंग का एक्यूप्रेशर पॉइंट नंबर 7, LU7, ठीक है। अब अगर बच्चा बहुत ज़्यादा उदास रहता है, सोशली लॉस्ट रहता है, ठीक है, और जिसकी वजह से उसमें एकदम से आपने चेंजेस देखे हैं कि उसकी वॉइस चली गई, या फिर बहुत टाइम से उसकी थेरेपी करा रहे हैं तब भी ऐसा हो रहा है कि वो एनर्जी के साथ थेरेपीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो लंग्स को क्लियर करने वाला ये एक्यूप्रेशर पॉइंट LU7 उस केस में बेनिफिशियल रहेगा। ये देखिए, इंडेक्स फिंगर से यहाँ नीचे है, यहाँ पर कल LU9 पॉइंट डिस्कस किया था, और यहाँ से जस्ट 2 फिंगर्स गैप पे, ठीक है, इसी एरिया में जस्ट 2 फिंगर्स गैप पे, ये जस्ट 2 फिंगर्स गैप पे यहाँ पर, ठीक है, इस फिंगर के नीचे यहाँ पर हमारा LU9 पॉइंट है, जस्ट यहाँ से 2 फिंगर्स गैप पे, ठीक है, LU9 पॉइंट बहुत ही बेनिफिशियल है। दिन में 3 बार 30 सेकेंड्स के लिए प्रेस करना है, और रात में या तो किसी भी कलर की बिंदी लगा दीजिए या फिर चने की दाल पेपर टेप से लगा दीजिए ताकि सस्टेन प्रेशर पड़े। बायलेटरली करना है दोनों हैंड्स में, ठीक है। होप यू लाइक माय वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।